नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे सूझ सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के बारे में। इस सिद्धांत को समाकृति का सिद्धांत भी कहते हैं, गेस्टाल्ट। समाकृति यानी कि गेस्टाल्ट। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जर्मन मनोवैज्ञानिक बर्दाइमर, कोफा तथा कोल्हर ने किया। गेस्टाल्ट मत के अनुयायियों का कहना है कि एक गेस्टाल्ट या आकृति एक समग्र है जिसकी विशेषताएं पता लगाई जाती हैं। इस सिद्धांत को सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहा गया। सिद्धांत का जो है अर्थ उसको समझेंगे, कुछ कार्यों को करके सीखते हैं हम लोग जैसे कि, और कुछ कार्यों को दूसरे को करते हुए देखकर भी सीखते हैं। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना बताए अपने आप सीख लेते हैं। इस प्रकार सीखने को जो है सूझ द्वारा सीखना कहते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए गुड्डे ने लिखा कि सूझ जो है वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। इस सिद्धांत के लिए कोल्हर ने जो प्रयोग किया उसे देखेंगे। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन जर्मनी के गेस्टाल्टवादी का है, या इसीलिए इस सिद्धांत को जो है गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। गेस्टाल्टवादियों का कहना है कि व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से जो है अच्छी तरह समझ लेता है और सहसा उसे ठीक ठीक करना सीख जाता है। वह ऐसा अपनी सूझ के कारण करता है। इस संबंध में अनेक प्रयोग किए जा चुके हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध प्रयोग जो है कोल्हर ने किया। कोल्हर ने एक वनमानुष जिसका नाम सुल्तान था को एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे की छत में एक केला लटका दिया और कुछ दूर पर एक बॉक्स रख दिया गया। वनमानुष ने उछलकर केले को लेने का प्रयास जो है किया पर सफल नहीं हुआ। वह थोड़ी देर में जो है कमरे में इधर उधर घूमा, बॉक्स के पास खड़ा हुआ, उसे खींचकर केले के नीचे ले गया, उस पर चढ़ गया और उछलकर केला ले लिया। सुल्तान के इस सब कार्यों से सिद्ध हुआ कि उसमें सूझ थी जिसने उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जो है सफलता दी। वनमानुष के समान बालक और व्यक्ति भी सूझ द्वारा सीखते हैं। सूझ का आधार कल्पना है। जिस व्यक्ति में कल्पना शक्ति जितनी अधिक होती है उसमें सूझ भी उतनी ही अधिक होती है और इसीलिए उसे सफलता भी अधिक मिलती है। बड़े बड़े दार्शनिकों, इंजीनियरों और राजनीतिज्ञों की सफलता का रहस्य उनकी सूझ ही है। सूझ सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? शिक्षा में जो है सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को महत्व कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। यह सिद्धांत लड़कों या बालकों की बुद्धि, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करता है। इस सिद्धांत के द्वारा गणित जैसे कठिन विषयों के शिक्षण के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हुआ। क्रो एवं क्रो ने बताया कि यह सिद्धांत कला, संगीत और साहित्य की शिक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। स्किनर के अनुसार यह सिद्धांत आदत और सीखने के यांत्रिक स्वरूपों के महत्व को कम करता है। गेट्स के अनुसार यह सिद्धांत बालक को स्वयं खोज करने का जो है ज्ञान का अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ड्रेवर के अनुसार यह सिद्धांत बालक को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित व्यवहार की चेतना प्रदान करता है। वहीं गैरिसन ने बताया कि विद्यालय में बालक के समस्या समाधान पर आधारित अधिकांश सीखने की इस सिद्धांत के द्वारा व्याख्या की जा सकती है। तो ये था सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। धन्यवाद।